हम बात करते हैं तर्क विकल्प सिद्धांत की, ठीक है। तो तर्क विकल्प सिद्धांत का मतलब यानी रैशनल चॉइस थ्योरी, या हम इसको कहते हैं पब्लिक चॉइस थ्योरी, ठीक है। तर्क विकल्प सिद्धांत के जन विकल्प अपेक्षाकृत एक नवीन सिद्धांत है। यह राजनीति का आर्थिक सिद्धांत है, जिसे लोक प्रशासन के अध्ययन में आर्थिक उपागम अथवा अर्थशास्त्र का प्रयोग माना जाता है। सिंपल सी बात है कि ये जो उपागम है, ये कहीं ना कहीं ये आर्थिक सिद्धांत की ओर लोक प्रशासन का रुझान बढ़ाता है। यानी अभी तक हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा, जैसे वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का हमने जिक्र किया, तो हमने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के तहत देखा कि भाई ये कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पारस्थितिक सिद्धांत के तहत, पारस्थितिकीय सिद्धांत के तहत भी हमने देखा था कि भाई कहीं ना कहीं जो संगठनिक प्रवेश है और वहां के व्यक्तियों के बीच के जो अंतर संबंध है, तो उनको देखने की हमने कोशिश की। लेकिन जो जन विकल्प सिद्धांत है या चयन विकल्प सिद्धांत है, इसको देखो, या तो आप तर्क विकल्प सिद्धांत बोल दीजिए, या जन विकल्प सिद्धांत बोल दीजिए, या चयन अथवा विकल्प सिद्धांत बोल दीजिए। देखो, इन तीनों का मतलब यही है। तर्क विकल्प का मतलब यह है कि भाई तर्कों के आधार पे हमें क्या करने, विकल्प करने। और विकल्प की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं नौकरशाही के विकल्प के रूप में, सिंपल सी बात है। तो विकल्प नौकरशाही का, जन विकल्प जनता के लिए नया विकल्प करना तैयार, नया विकल्प नौकरशाही के स्थान पे हम नए विकल्प की बात कर रहे हैं। वहीं चयन अथवा विकल्प की अगर हम बात करेंगे, तो चयन और विकल्प का मतलब भी यहाँ पे ये है कि हम पब्लिक को हम च्वाइस दे रहे हैं कि भाई वो लोक प्रशासन के साथ साथ उसको उसको लोक प्रशासन के साथ साथ उसको दूसरे प्रशासन की भी चॉइस दी जाए। तो यहाँ पे चॉइस देने की बात की जा रही है, सिंपल सी बात है। ये कहीं ना कहीं राजनीति का आर्थिक सिद्धांत है, जिसे लोक प्रशासन के अध्ययन में आर्थिक उपागम अथवा अर्थशास्त्र का प्रयोग माना जाता है। यानी ये कहीं ना कहीं आर्थिकी की बात करता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए, हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि जहां तक हम संगठन की बात कर रहे थे, या फिर किसी पर्टिकुलर परिवेश में उसकी परिस्थिति और उसके बीच के अंतर संबंधों की बात कर रहे थे, वहां पे ये कहीं ना कहीं आर्थिक चीजों को फोकस कर रहा है। वो बोल रहा है कि ठीक है, संगठन तो ठीक है, लेकिन ये संगठन कैसे बेहतर काम करे, तो इसके लिए हमें इसको क्या करना चाहिए, इसका संस्करण हमें तैयार करना चाहिए। अब देखो, ये संस्करण तैयार करने की बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल संगठन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने सब कुछ संगठन के अंतर्गत पढ़ा, चाहे वो हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है, या पारस्थितिक सिद्धांत है, या कोई और थ्योरी हम आगे भी पढ़ेंगे, तो उसका भी हम क्या करेंगे, हम संगठन को फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये संगठन के विकल्प की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। अब संगठन के विकल्प का मतलब यह है कि संगठन में जो कहीं ना कहीं जो नौकरशाही है, तो संगठन में नौकरशाही के विकल्प की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये संगठन में नौकरशाही की विकल्प क्यों बात कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आर्थिक तरीके से संगठन को देख रहा है। ये बोल रहा है कि संगठन बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा है, और अगर हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना है, हमें अपने लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी ग्रोथ करना है, या फिर अपने लक्ष्यों की पूर्ति को हमें बहुत अच्छे लगे। देखो, हम सिंपल सी बात है कि संगठन जहां पे आ गया वहां पे लक्ष्य तो आएंगे आएंगे। संगठन का मतलब कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाने वाले जो एक चयन होती है, उसको हम संगठन कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो संगठन तो लक्ष्य आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये कह रहा है कि भाई हम इसको आर्थिकी क्यों बोल रहे हैं, तो ये अधिक से अधिक लाभ कमाने के संदर्भ में बात कर रहा है। ये विकल्प दे रहा है नौकरशाही को, क्यों, क्योंकि अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, तो इसलिए इसको हम आर्थिकी सिद्धांत बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हम आर्थिकी सिद्धांत कह रहे हैं। आर्थिकी सिद्धांत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अधिक से अधिक इकोनॉमिक तरीके से ज्यादा फंडिंग करने की उस पर बात कर रहा है कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसा हो। संगठन को कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टिकोण से देखने की वकालत कर रहा है, इसलिए हम इसको आर्थिकी सिद्धांत कह रहे हैं, सिंपल सी बात है। ये तो हमने एक बेसिक थीम समझी कि भाई हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। हम अगर इसकी स्टार्टिंग की बात करें, तो ब्रिटेन की लोह महिला मार्गरेट थैचर द्वारा 20वीं सदी के 70 के दशक में जो राज्य न्यूनता का समर्थन किया गया, आगे चल करके यही जो राज्य न्यूनता का उनका समर्थन था, आगे चल करके यही जो विचार था, ये तर्क विकल्प सिद्धांत के रूप में आया। अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है कि ब्रिटेन की जो लोह महिला है मार्गरेट थैचर, तो 20वीं सदी के 70 के दशक, यानी 20वीं सदी के 70 के दशक का मतलब क्या है, 1970 के आसपास की ये बात करनी, ठीक है। 1970 के दशक में मार्गरेट थैचर क्या बोलती है, क्योंकि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री होती है उस समय, और ये बोलते हैं कि राज्य का काम न्यूनतम से न्यूनतम होना चाहिए, राज्य न्यूनतम का सिद्धांत ये देती है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता
है, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था लेकिन थोड़ा क्रिटिकल तरीके से आया था। तो राज्य न्यूनता की ये बात करते हैं। राज्य न्यूनता का मतलब यहाँ पे ये है कि सपा सरकार सिर्फ दो कार्य करे, पहला काम कानून व्यवस्था को बनाना और आंतरिक सुरक्षा को लागू करना। यानी 1977 के आसपास मार्गरेट थेचर कहती है ये राज्य न्यूनता के सिद्धांत की बात करती है। राज्य न्यूनता के सिद्धांत के तहत मुख्यतः ये राज्य को बोलती है कि राज्य के सिर्फ दो काम होने चाहिए, पहला काम कानून व्यवस्था को लागू करना, उसके बाद दूसरा जो काम होगा इसका आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना। तो हमने बात की कि भाई 1970 के आसपास कहीं ना कहीं जो मार्गरेट थेचर थी, ब्रिटिश की प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा एक राज्य न्यूनता का सिद्धांत दिया गया। इसके तहत उन्होंने बोला कि सरकार को या राज्य सरकार को कुल मिलाकर के सिर्फ दो कामों तक हमें सीमित करने की आवश्यकता होनी चाहिए। हमें सिर्फ उनसे कानून व्यवस्था को लागू करवाने वाला काम करवाना चाहिए, साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने की व्यवस्था उनके हाथ में देनी चाहिए और काम उनसे शिफ्ट करके प्राइवेट कंपनी को देने चाहिए। तो इस तरीके की वो बात करती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ तक ही बात करती है कि भाई इनके दो काम ही होने चाहिए, बाकी प्राइवेटाइजेशन की बात आगे खुल करके सामने आती है, लेकिन ये सिर्फ इस तरीके की बात करती है। इसे अब देखो, जब इस तरीके की ये बात करती है तो जो निजीकरण की जो आगे लहर हमें देखने को मिलती है 1990 के आसपास, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के एक विचारों का जो प्रभाव था, निजीकरण को ये सबसे पहले लागू करने की कोशिश करती है। यहाँ पे निजीकरण की तो बात की जा रही है कि भाई सरकार कम से कम काम करे, तो इस तरीके से आगे इनके विचारों का जो रुझान है वो निजीकरण के रूप में हमें आगे देखने को मिलता है। यानी देखो, कहीं भी कोई भी विचार आता है तो उस पर धीरे धीरे काम होता है, आगे चल करके उसका बड़ा रूप आता है। तो यानी इनके विचार काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं निजीकरण को, यहीं से कहीं ना कहीं एक लहर हमें देखने को मिलती है। लोक प्रशासन में जन विकल्प सिद्धांत का जो पहली बार प्रयोग है वो 20वीं शताब्दी के छठे दशक के मध्य में प्रचलित हुआ, यानी 1965 के आसपास लोक प्रशासन में जन विकल्प सिद्धांत को लागू किया गया। खास जो लोक विकल्प सिद्धांत को जो प्रयोग करने वाले जो विचारक हैं सबसे पहले वो रहे अंग्रेजी कोई प्रणेता हैं, विंसेंट डी ओस्ट्रोम। तो विंसेंट डी ओस्ट्रोम ने ये सिद्धांत पहली बार क्या किया, प्रयोग किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं कि भाई हमने देखा कि भाई हवा तो यहां से आई, मार्गरेट थेचर ने हवा का रुझान यहां से देखा हमें जन विकल्प सिद्धांत का, लेकिन इसका प्रयोग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ओस्ट्रोम इसके प्रयोग की बात करते हैं। जो ओस्ट्रोम है कोई अंग्रेजी विचारक हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं, और विंसेंट डी ओस्ट्रोम इनका पूरा नाम है। ये क्या करते हैं कि नौकरशाही प्रशासन को परंपरागत विचार के स्थान पर लोकतांत्रिक प्रशासन की अवधारणा की स्थापना करते हैं। यानी नौकरशाही प्रशासन की जो प्रक्रिया अभी तक चल रही थी, हम विंसेंट ओस्ट्रोम क्या कर रहे हैं कि नौकरशाही का जो एक परंपरागत तरीका था नौकरशाही का जो परंपरागत तरीका था, इसके स्थान पे लोकतांत्रिक प्रशासन की अवधारणा की वकालत करते हैं। तो यानी जो ओस्ट्रोम है, ओस्ट्रोम क्या कर रहे हैं कि अभी तक जो परंपरागत नौकरशाही का एक जो तरीका चल रहा था उसकी जगह ये किस तरीके के इस्तेमाल करते हैं, लोकतांत्रिक प्रशासन की अवधारणा की ये बात करते हैं। तो लोकतांत्रिक प्रशासन की अवधारणा का मतलब क्या है, लोक सेवकों को ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करना। यहां पे लोकतांत्रिक प्रशासन की अवधारणा का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि विंसेंट ओस्ट्रोम जो हैं, उन्होंने जो परंपरागत नौकरशाही है उसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक प्रशासन की अवधारणा का प्रयोग करने की कोशिश की। इसके तहत जो लोकतांत्रिक प्रशासन की अवधारणा है, इसके तहत कहीं ना कहीं जो नौकरशाह हैं, उन नौकरशाहों या लोक सेवकों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाएं। अवसर का मतलब उनके पास च्वाइस हो, वो अगर सपोज कोई विकासात्मक कार्य है तो विकासात्मक कार्यों के लिए ठीक है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमें कोई काम दिया गया है तो हमें किसी काम को लेकर के, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल यह है कि भाई हमने क्या करना है, पढ़ाना है, हमने लेक्चरर की भर्ती आ रही है, लेक्चरर की भर्ती के लिए हमने क्या करना है, हमने रिजल्ट देने हैं, तो हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। चॉइस इन द सेंस हमारे पास जो फैकल्टीज हैं वो फैकल्टीज अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, मतलब वो चॉइस होनी चाहिए, हमें चॉइस ज्यादा दी जाए, हमारे पास बहुत सारी फैकल्टीज खड़ी की जाए, ठीक है, और हमें अच्छी चॉइस दी जाए। तो यानी लोक सेवकों को ज्यादा से ज्यादा चॉइस दिया जाए जिससे वो अच्छा से अच्छा काम कर सकें संगठन में या प्रशासन में। तो इस तरीके से जो प्रशासनिक जो क्रियाकलाप है उनमें सुधार आए। तो यहाँ पे सिंपल सी लोक सेवकों को ज्यादा से ज्यादा चॉइस देने की बात ये करता है ओस्ट्रोम, इस संदर्भ में ये बात कर रहा है। आगे ये क्या कहता है, ओस्ट्रोम ने अपनी पुस्तक
द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दो बार आ चुका है यही क्वेश्चन। हाँ, एक बार तो ये इस तरीके से आया कि इस पुस्तक का संबंध है तर्क विकल्प सिद्धांत से, और एक बार आया कि किसकी है ये पुस्तक। ठीक है, तो विंसेंट ने द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा कि नौकरशाही संरचनाएं आवश्यक हैं, लेकिन एक उत्पादक और उत्तरदायी सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त संरचना नहीं है। कहने का मतलब है कि नौकरशाही, ये इस किताब में भी यही बोल रहा है कि भाई नौकरशाह जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी है, लेकिन सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के लिए और एक रिस्पॉन्सिबल व्यवस्था के लिए ये क्या है, पर्याप्त नहीं है। क्या हमें इसमें सुधार करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के ये उसमें सुधार करने की वकालत कर रहे हैं इस पुस्तक में भी। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई तर्क विकल्प सिद्धांत को और कौन कौन से विद्वान प्रमोट कर रहे हैं ऑस्ट्रोम के अलावा, तो इसमें डंकन ब्लैक, एंटोनी डाउन्स, केनेथ ओरो, डेक्स बुकान, गार्डन टुलाक, विलियम राइट, मेकर्स ओल्स आदि जन विकल्प सिद्धांत को मूल रूप से क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब देखो, जो जन विकल्प सिद्धांत को जो प्रमोट कर रहे हैं वो मुख्यतः तो सभी अर्थशास्त्री हैं ऑस्ट्रोम के अलावा, जिनका हमने जिक्र किया। अर्थशास्त्री होने के साथ साथ वो इस सिद्धांत को यहाँ भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयोग करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर यही है भाई कि सिंपल सी बात है कि नौकरशाही के विकल्प को तलाशने की कोशिश की जा रही है, और ऑस्ट्रोम भी इसी तरीके की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमें मार्गरेट थैचर के द्वारा देखने को मिलती है, इसी तरीके का कंसेप्ट है इसमें। जन विकल्प सिद्धांत के सैद्धांतिक प्रतिपादन के लिए विलियम ए निक्सन को उत्तरदायी माना जाता है। अब देखो, विलियम ए निक्सन इसके अलावा हैं कि जिन्होंने इस सिद्धांत को सैद्धांतिक आधार पर प्रस्तुत करने की चेष्टा की। इसमें हमने बात की कि भाई जो जन विकल्प सिद्धांत है तो उसमें ऑस्ट्रोम ने इसको बड़े स्तर पर लागू करने की कोशिश की, जिसके तहत हमने देखा कि भाई उसकी एक कृति थी द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उसके अलावा भी डंकन ब्लैक एंड एंटोनी डाउन्स, केनेथ एरो, डेक्स बुकानन, गार्डन टुलाक, विलियम्स राइकर, मैकस ओल्स अन्य इसके क्या थे, समर्थक विचारक थे। इसके साथ साथ इसके अगर हम सैद्धांतिक प्रतिपादन की बात करें ऑस्ट्रोम के अलावा, तो विलियम्स ए निस्कानन को इसके लिए क्या माना जाता है, उत्तरदायी माना जाता है। हम इसकी मान्यता की बात कर रहे थे, तो मान्यता में हमने सबसे पहले नंबर पे बोला कि जो जन विकल्प सिद्धांत है उसके अनुसार नौकरशाही सरकार या अतिरिक्त अन्य सेवाओं के विकल्प भी होने चाहिए। कहने का मतलब यह कि नौकरशाही और जो सरकार है तो नौकरशाह के भी विकल्प होने चाहिए और सरकार के भी विकल्प होने चाहिए, इस तरीके की वकालत करता है जन विकल्प सिद्धांत। दूसरे पे हमने देखा कि भाई ये जो सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं अर्थशास्त्रियों की देन है, और जो कहीं ना कहीं जो नौकरशाही प्रवृत्ति है उसका विरोध करते हुए ये पाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के जन विकल्प सिद्धांत नौकरशाह का की विरोधी विचारधारा है या विरोधी सिद्धांत है, जो इसके विरोध में क्या करता है, बात करता है। नंबर तीसरे पे हमने ये पॉइंट रखा था कि यह लोक प्रशासन में नौकरशाही प्रतिमान की आलोचना तो करता ही करता है, इसके साथ साथ पेशेवर नौकरशाह और अकुशल एवं जनता के प्रति पक्ष का भाव रखने वाली प्रक्रिया को भी मानता है। कहने का मतलब यह कि ये नौकरशाही जो प्रतिमान है उसकी आलोचना तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ ये भी व्याख्या कर रहा है कि भाई जो पेशेवर नौकरशाह हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि उनका जो भाव होता है वो जनता के प्रति अपेक्षाकृत क्या होता है, कम वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, उनके जनता के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं, कहके इनका जो रवैया होता है वो जवाबदेहीपूर्ण नहीं रहता है जनता के प्रति नौकरशाहों का, वो अपनी क्या करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, और जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान जो उनको मिलना चाहिए त्वरित समय में, उस तरीके से कहीं ना कहीं ये काम नहीं करता है। तो इस तरीके से इसमें खामियां हैं कि जनता की तमाम स्तरों पे उपेक्षा करता है, तो इस तरीके की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं नौकरशाह की। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि नौकरशाह की क्रिटिसिज्म कर रहा है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर ये बोल रहा है यह सार्वजनिक सामग्री और सेवाओं की आपूर्ति के लिए संरचनात्मक बहुलवाद को प्रोत्साहन देता है। सार्वजनिक सामग्री और सेवाओं की आपूर्ति के लिए, अब सार्वजनिक स्तर पे कोई सामग्री है और चीजों की आपूर्ति अगर जनता को करवानी है तो इस संदर्भ में वो कहीं ना कहीं संस्थानात्मक बहुलवाद की उपेक्षा करते हैं। वो बोलता है कि हमारे पास चॉइस होनी चाहिए, बहुत सारे विकल्प होने चाहिए, जिस तरीके की संस्थानात्मक बहुलवाद बहुत सारे
संगठनों को पावर देने की बात करता है या बहुत सारी चॉइसेस खड़ी करता है, उसी तरीके से हमें भी कहीं नौकरशाही और सरकार के विकल्प के रूप में भी चॉइसें हमें खड़ी करनी चाहिए, उसी तरीके से बहुलवादी प्रकृति की तरीके से। हाँ, छठवें नंबर पे ये कह रहा है कि यह लोक नौकरशाही में प्रलोभन पर जोर देता है, जिससे जो वरिष्ठ जो नौकरशाह हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। ये साथ ही साथ नौकरशाह को भी अच्छे तरीके से काम करने के लिए उनको लिए उनके लिए प्रलोभन जैसी व्यवस्थाओं को क्या करता है, बढ़ावा देने की बात करता है। ये इस तरीके से ये इसलिए करना चाहता है क्योंकि ये चाहता है कि भाई नौकरशाह जो है वो अपना 100% दे सकें, प्रलोभन होंगे तो वो बढ़िया तरीके से काम करेंगे और इससे नौकरशाह को क्या मिलेगा, ये बूस्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इस ये इसके विकल्प के साथ साथ नौकरशाही में सुधार की भी बात कर रहे हैं और इसके लिए प्रलोभन जैसी व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सातवें नंबर पे, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए निजी स्रोतों का अधिकाधिक प्रयोग करने की बात करते हैं, निजी स्रोतों को अधिक से अधिक प्रयोग में लाना चाहिए सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए। यह नौकरशाही के लिए प्रतिस्पर्धी परिवेश तैयार करने की वकालत करता है। ये बोलता है कि जो सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति है उस आपूर्ति को सिर्फ और सिर्फ हमें सरकारी नौकरशाहों को ही नहीं देना चाहिए या पेशेवर नौकरशाहों को ही नहीं देना चाहिए, बल्कि निजी स्रोतों को भी हमें क्या करना चाहिए, इनकी आपूर्ति के लिए लगाना चाहिए। यानी जनता की कोई कितनी भलाई कर सकता है, जनता के लिए जो भलाई करने वाले काम है उसमें हमें कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनियां हैं या निजी कंपनियां हैं उनको भी हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो मोटे तौर पर यह है कि सिंपल सी बात है कि भाई ये कहीं ना कहीं विकल्प की बात कर रहे हैं और विकल्प किसके किसके विकल्प की बात कर रहे हैं, नौकरशाह के विकल्प की बात कर रहे हैं। विकल्प के ये अनेक आधार प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई सार्वजनिक सेवाओं में विकल्प देने की बात ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नौकरशाह का जो गैर जिम्मेदार रवैया है जनता के प्रति या उपेक्षा का जो एक उनका भाव रहता है उसके सुधार के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो इस तरीके का कंसेप्ट कहीं ना कहीं जन विकल्प या तर्क विकल्प सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो ये आपका ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया।